भारत में कैसे हुई फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, 7 जुलाई सन 1896 में बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक विज्ञापन छपा जिसमें शहरवासियों को वाटसन होटल में सदी की महानतम उपलब्धि पर दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और शाम को 4 अलग अलग समय पर इस चमत्कार को देखने वाली जनता को हाल में आने की अनुमति दी गई और हर एक शो का टिकट 1 रुपया रखा गया था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। और यह चमत्कार कुछ नहीं बल्कि उपमहाद्वीप में चलचित्र की पहली प्रदर्शनी थी, जिसे आज हम फिल्म के नाम से जानते हैं। और आज के समय में मुंबई की गिनती दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म निर्माण केंद्रों में होती है और मुंबई में हर साल हॉलीवुड से भी अधिक फिल्में बनती हैं। लेकिन सन 1896 में शाम 6 बजे से 10 बजे तक चलने वाले 4 शो देखने आए लोगों को नाच गाना, बेहतरीन डायलॉग और फास्ट एक्शन देखने को नहीं मिला। तब उस रात प्रदर्शनी होने वाली सबसे भयानक फिल्म का नाम अराइवल ऑफ ए ट्रेन यानी कि ट्रेन का आगमन था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किस तरह की फिल्म थी, तो आपको बता दें कि सिनेमा के शुरुआती दिनों में आम तौर पर ज़्यादातर फिल्में एक ही घटना के बारे में होती थी और वो फिल्में उन रील्स की तरह होती थी। उसके बाद कई सालों तक सिनेमा घरों में दिखाई जाती रही थी और इन फिल्मों को बनाने वाले और भारत तक लाने वाले दो फ्रांसीसी भाई लुई और अगस्त लुमियर थे, जिनकी कंपनी सिनेमेटोग्राफी का नाम आज तक फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। और द अराइवल ऑफ ए ट्रेन इटला सियोटेट स्टेशन फिल्म की प्रदर्शनी की गई थी और इस फिल्म में एक ट्रेन को स्टेशन में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था और फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको हैरान करने वाली हो। बस एक ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर रुकती है। हालांकि जब यह सीन पहली बार लंदन में बड़े पर्दे पर दिखाया गया तो फिल्म के दर्शकों को ऐसा लगा जैसे कि ट्रेन पर्दे से निकलकर उनकी तरफ आ रही है और कुछ ही पलों में वे उसके नीचे कुचले जाएंगे। इसीलिए फिल्म की प्रदर्शनी के दौरान कुछ लोग दहशत में अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, जबकि कुछ महिलाएं बेहोश हो गई और प्रशासन को इनकी देखभाल के लिए नर्सों को बुलाना पड़ा। और उसके बाद लुमियर बंधुओं ने अपनी सिनेमेटोग्राफी फिल्मों को दुनिया के अन्य देशों में भी दिखाने का फैसला किया और वह अपनी बनाई हुई फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में बॉम्बे आ गया और उन्होंने फैसला किया कि क्यों न कुछ समय रुककर इस
कॉस्मोपॉलिटन शहर में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाए। तब यह फिल्म बॉम्बे के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और कुछ दिनों बाद 14 जुलाई सन 1896 में बॉम्बे के नवेल्टी थिएटर में 3 दिनों तक इन फिल्मों को दोबारा दिखाया गया। सो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।